हेलो एवरीबॉडी, माई सेल्फ दिगराज सिंह राजपूत, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो में हम पढ़ेंगे यूनिफिकेशन ऑफ इटली, इटली यूनिफाइड। अब इस वीडियो को देखने के बाद में आप लोगों को ये चीज़ें क्लियर हो जाएगी कि जो यूनिफिकेशन था इटली का, इटली अलग अलग प्रिंसली स्टेट्स में डिवाइडेड था, तो वो कैसे यूनिफाई हुआ, किस किस ने इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा, वो सारी चीज़ें आपको इस वीडियो को देखने के बाद में क्लियर हो जाएगी। पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था? पिछले वीडियो में हमने जर्मनी को यूनिफाई करवा दिया था, ठीक है? आपके और मेरे एफर्ट्स से जर्मनी यूनिफाई हो चुका था। हम लोगों ने कुछ नहीं किया, ओटोवन बिस्मार्क, और हमने देखा कि वहाँ के जो राजा थे केसर विलियम वन, तो उन्होंने किस तरह से जर्मनी को यूनिफाई किया। अब मैंने आपको बताया था कि हम पैरेलल केस स्टडीज देखने वाले हैं। यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी देखा, अब हम इस वीडियो में पढ़ेंगे यूनिफिकेशन ऑफ इटली। तो सबसे पहले मैं आपको वहाँ का पूरा एक स्ट्रक्चर समझाता हूँ। कैसा था स्ट्रक्चर? स्ट्रक्चर ऐसा था कि इटली को हम तीन मेजर पार्ट्स में, चार मेजर पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। चार मेजर पार्ट्स में कौन कौन से डिवाइड करते हैं? तो एक था नॉर्थ में, एक साउथ में, एक सेंट्रल और सार्डिनिया पिडिमोंट वाला एरिया। अब ये सार्डिनिया और पिडिमोंट वाला जो एरिया था, तो ये सिर्फ एकमात्र एरिया था पूरी इटालियन यूनियन जो आज हम देखते हैं, यूनिफाइड इटली का जो पार्ट देखते हैं, उसमें से सिर्फ ये दो आइलैंड्स जो थे, तो ये आइलैंड्स ही इटालियन प्रिंसली हाउस के अंडर में थे। मतलब जो एकदम बोल सकते हैं कि नेटिव जो हकदार थे इटली के, तो उन लोगों के पास सिर्फ ये आइलैंड था। बाकी पूरा इटालियन जो मतलब ये यूनिफाइड इटली आज जो हम देखते हैं, तो वो इटली क्या था, अलग अलग रूलर्स के पास में था, अलग अलग मोनार्क्स के पास में था। अभी एक चीज़ ध्यान कीजिएगा, पिछले वीडियो में जैसे मैंने आपको बताया कि अब जो नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स हैं, तो वो लिबरल्स के साथ साथ किसके द्वारा और दिखाए जाने लगे थे? कंजर्वेटिव्स के द्वारा। तो यहाँ पे जो राजा थे, ठीक है, मतलब जो इटालियन प्रिंसली हाउस था जिनका सार्डिनिया पिडिमोंट वाले रीजन पे रूल था, वो थे इटालियन प्रिंस, उनका नाम था विक्टर इमैनुअल टू। तो ये विक्टर इमैनुअल टू ने ये सोचा कि क्यों ना इटली को यूनिफाई किया जाए। यूनिफाई करने से क्या फायदा होगा? यूनिफाई करने से फायदा ये होगा कि वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ज्यादा होगा उस पूरे रीजन का। तो इसके लिए उन्होंने ये जिम्मा लिया कि हाँ, मुझे इटली को यूनिफाई करवाना है। और उनके पहले जो लोग थे जिन लोगों ने ऐसा सोचा था कि इटली को यूनिफाई करवाना है, उनके बारे में भी हम अभी पढ़ेंगे। तो पहले मैं आपको एक जियोग्राफिकल पूरा स्ट्रक्चर समझा देता हूँ। सार्डिनिया पिडिमोंट वाला जो रीजन था, उस पर इटालियन प्रिंसली हाउस रूल कर रहा था। ये जो नॉर्थ में जो एरिया था, तो इस नदन पार्ट में कौन रूल कर रहा था? ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग एम्पायर, ठीक है? तो ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग एम्पायर जो था, वो नॉर्थ में रूल कर रहा था। और उसके बाद में जो सेंट्रल एरिया था इटली का, जो प्रेजेंट डे इटली है, तो सेंट्रल एरिया में पैपल स्टेट था। अब ये पैपल स्टेट मतलब इट वॉज अंडर दी पोप, इट वॉज रूल्ड बाय पोप। तो जो पोप होते हैं ना, क्रिश्चियनिटी के जो हेड होते हैं, उनके द्वारा रूल किया जा रहा था ये सेंट्रल वाला एरिया। अब उसके बाद में नीचे अगर साउथ का पार्ट देखा जाए, तो इटली का जो साउथ वाला हिस्सा था, ये साउथ वाले हिस्से पे कौन रूल कर रहा था? तो साउथ वाला हिस्सा को पहले क्या कहा जाता है, देख लीजिए, साउथ नहीं, साउथ वाले हिस्से को किंगडम ऑफ बोथ सिसिलीज या फिर किंगडम ऑफ टू सिसिलीज कहा जाता है। ये दो ऐसी विंग्स हैं जो सूडोपोडिया की तरह जो है, तो वो उन्हें किंगडम ऑफ टू सिसिलीज कहा जाता है। अब यहाँ पे रूल कौन कर रहा था? तो इस बर्बन डायनेस्टी जो थी, या फिर बर्बन किंग्स जो थे, फ्रांस के नहीं, स्पेन वाले हैं यहाँ पे। तो स्पेन के जो बर्बन किंग्स थे, वो यहाँ पे रूल कर रहे थे साउथ वाले पार्ट में, जो किंगडम ऑफ टू सिसिलीज था यहाँ पे। तो इस तरह से एक जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया, जियोग्राफिकली जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर बताया जिसपे पॉलिटिकली किसकी डोमिनेंस थी, वो सारी चीज़ें आपको समझाई। सार्डिनिया पिडिमोंट, नॉर्थ में हैब्सबर्ग एम्पायर, उसके बाद में सेंट्रल में पैपल स्टेट विच वॉज रूल्ड बाय पोप, और साउथ में कौन था? बर्बन किंग ऑफ स्पेन। तो ये सारी चीज़ें आपको बता दी कि कौन कहाँ रूल कर रहा था। अब जिम्मा किसके ऊपर था? जिम्मा यहाँ के राजा के ऊपर था, सार्डिनिया पिडिमोंट के जो राजा थे जिनका नाम था किंग विक्टर इमैनुअल टू, उनके ऊपर पूरा मेंटल आ चुका था, उनके ऊपर पूरा दारोमदार आ चुका था, क्या कि उन्हें क्या करवाना है, उन्हें पूरे पूरे इटली को यूनिफाई करवाना है। तो इटली के यूनिफिकेशन का जिम्मा इनके ऊपर था, विक्टर इमैनुअल टू के ऊपर। अब उन्होंने जिम्मा भी क्यों लिया था? क्योंकि उनको अपना प्रॉफिट दिख रहा था, क्या कि जितना यूनिफाइड रहेगा इटली, उतना ज़्यादा क्या रहेगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मतलब इकोनॉमिक डेवलपमेंट के ऑप्शंस रहेंगे। तो इसके चलते उन्होंने सोचा कि मैं इटली को यूनिफाई करवाऊंगा। अब लेकिन क्या होता है कि इनसे पहले किसी ने प्रयास किया था, तो वो भी हम समझेंगे। तो इस तरह से क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन डायरेक्ट जो बनता है ना यूनिफिकेशन ऑफ इटली पे, तो एक तो डायरेक्ट बन गया कि यूनिफिकेशन ऑफ इटली समझाइए, तो आप पूरा पार्ट एक साथ समझा सकते हैं कि कौन कौन से रीजन थे, कौन रूल कर रहा था और कैसे वो यूनिफाई हुआ। अब कभी क्वेश्चन ऐसा बनता है अधिकतर कि प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज़ कौन कौन थी जिन्होंने इटली के यूनिफिकेशन में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा, ठीक है? तो इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी इन यूनिफिकेशन ऑफ इटली, किन लोगों का मतलब बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा, किन लोगों की अहम भूमिका रही यूनिफिकेशन में, तो वो चार लोग हैं हमारे पास। हम उन चारों लोगों को डिस्कस करते हैं, समझेंगे कि किसने क्या कंट्रीब्यूट किया है इटालियन यूनिफिकेशन में।
इटालियन यूनिफिकेशन में सबसे पहले जैसे गुजिपी मजीनी, तो गुजिपी मजीनी आपने कहाँ पढ़ा था, इसी चैप्टर में ध्यान है आपको, इसी चैप्टर में आपने रिवोल्यूशनरीज में पढ़ा था। तो गुजिपी मजीनी ने क्या करा, बहुत सारी सीक्रेट सोसाइटीज़ बनाई, जैसे यंग इटली इन बर्न, ठीक है। तो वो जो सीक्रेट सोसाइटीज़ बनाई उन्होंने, उन सीक्रेट सोसाइटीज़ की मदद से उन्होंने कोशिश करी कि इटली को यूनिफाई किया जाए। गुजिपी मजीनी का आइडिया आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, मैंने बताया था ना उनका एक आइडिया था, एक स्टेटमेंट लिखा था और मैंने समझाया भी था, उस आइडिया को आपको कमेंट सेक्शन में लिख के बताना, ये आपका होमवर्क है। तो गुजिपी मजीनी एक प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी रही जिन्होंने इटली के यूनिफिकेशन में अपना योगदान दिया। सफल नहीं हो पाए वो बात अलग है, मतलब कहीं ना कहीं, लेकिन अब रिवॉल्ट ऑफ 1857 हुआ था इंडिया में, मान लीजिए तो रिवॉल्ट ऑफ 1857 में रानी लक्ष्मीबाई और दात्या टोपे, बहुत सारे लोगों ने क्या करा, आज़ादी की कोशिश करी। आज़ादी तो नहीं मिल पाई, लेकिन क्या हम उनके कंट्रीब्यूशन को ऐसे ही मानते हैं कि व्यर्थ है, कोई मतलब का नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है ना, हम वैल्यू देते हैं कि यार कोशिश तो करी और वहाँ से एक चिंगारी मिलती है, फिर आग बढ़ती आगे। तो वैसे गुजिपी मजीनी ने जब पहली बार प्रयास किया, चाहे वो सफल नहीं हो पाए, लेकिन उनके उस प्रयास ने क्या किया, उस फीलिंग को और स्ट्रांग किया कि देश को यूनिफाई करना है। ये हो गया। अब उसके बाद में दूसरा नाम जो आता है वो आता है किंग विक्टर इमैनुअल टू का। किंग विक्टर इमैनुअल टू जो थे तो सार्दिनिया पिडिमोंट के इटालियन प्रिंसली हाउस के रूलर थे और जिनके ऊपर अब पूरी जिम्मेदारी थी कि उन्हें देश को क्या करना है, यूनिफाई करवाना है। उन्होंने अपनी कमांड नीचे की ओर पास करी, अपनी कमांड नीचे की ओर पास करी, किसको दी उन्होंने अपनी कमांड, जो उनके चीफ मिनिस्टर थे कैवियोर, ठीक है। तो चीफ मिनिस्टर कैवियोर जो थे, कैवियोर क्या क्या था, कैवियोर बहुत डिप्लोमेटिक इंसान थे, डिप्लोमेटिक इंसान मतलब उनके रिलेशन बहुत अच्छे थे किस कंट्री के साथ में, फ्रांस के साथ में। तो सबसे पहली चीज तो क्या, ही वॉज नाइदर अ रिवोल्यूशनरी नॉर अ डेमोक्रेट, तो मतलब उन्हें उससे कोई मतलब नहीं था कि दूसरे प्रिंसली हाउसेस को हटाना है या फिर डेमोक्रेसी लाना है। वो ना तो रिवोल्यूशनरीज की कैटेगरी में आते थे, ना तो डेमोक्रेट्स की कैटेगरी में आते थे। बस ये था कि वो चीफ मिनिस्टर थे कहाँ के, इटली के, सार्दिनिया पीडिमोंट के। तो विक्टर इमैनुअल टू ने इन्हें जिम्मा दे दिया कि आप लड़ भिड़ के जैसे भी किसी को हराना है, किसी से जीतना है, वो सब आपके ऊपर है और आपको इटली को यूनिफाई करना है बस। तो ये जो चीफ मिनिस्टर थे कैवियोर, इनके रिलेशन फ्रांस के साथ में बहुत अच्छे थे, जो आपको स्टेटमेंट लिखा है ना कि ही स्पीक्स फ्रेंच वेरी वेल, तो उसका मतलब क्या है कि फ्रांस के साथ में इनके रिलेशन बहुत अच्छे थे, गुड रिलेशन विद फ्रांस। तो उसी रिलेशन का फ़ायदा उठाते हुए, फ्रांस से मदद लेते हुए इन्होंने क्या किया, ये जो नॉर्थ वाला एम्पायर था, ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग एम्पायर जो था, तो ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग एम्पायर को हराया, किसने, चीफ मिनिस्टर कैवियोर ने। कैवियोर ने लड़ाई लड़ी, लड़ाई लड़ने के बाद में यहाँ की जो फोर्सेस थी, ऑस्ट्रियन फोर्सेस हैब्सबर्ग एम्पायर की, उन्हें हटाया और नॉर्थ के पार्ट को क्या करवा दिया, आज़ाद करवा दिया। तो ये कंट्रीब्यूशन रहा था किसका, चीफ मिनिस्टर कैवियोर का इटालियन यूनिफिकेशन में। तो अब सार्दिनिया पीडिमोंट और नॉर्थ आ गया आपके कब्जे में। फिर देखते हैं तो गुजिपी गैरिबाल्डी, यहाँ कन्फ्यूज नहीं है, ये गुजिपी मजीनी है और ये गुजिपी गैरिबाल्डी है। तो गुजिपी गैरिबाल्डी जो थे, इन्होंने, ये भी एक इम्पॉर्टेंट नाम है, इन्होंने भी बहुत अहम भूमिका निभाई है किस चीज़ में, इटालियन यूनिफिकेशन में। क्या किया इन्होंने वो बताता हूँ मैं आपको। तो सार्दिनिया पीडिमोंट तो आपको पता है अपने अंडर में ही था, मतलब विक्टर इमैनुअल के अपने में नहीं। जो ऑस्ट्रियन एम्पायर था वो नॉर्थ का, वो छुड़ा ही लिया था किसने, कैवियोर ने, चीफ मिनिस्टर कैवियोर ने लड़ाई करके। अब बचा क्या था, साउथ और सेंट्रल। तो साउथ का जो पार्ट था जहाँ पे बर्बन किंग रूल कर रहे थे, कहाँ के बर्बन किंग, स्पेन के। तो यहाँ पे क्या किया, गुजिपी गैरिबाल्डी जाते हैं, गुजिपी गैरिबाल्डी यहाँ पे मूवमेंट ऑर्गेनाइज करते हैं, यहाँ के लोकल पीजेंट्स जो रहते हैं, तो उन लोकल पीजेंट्स को अपने साथ लेते हैं। लोकल पीजेंट्स को अपने साथ लेने के बाद में क्या करते हैं, वो रिवॉल्ट करते हैं, लड़ाई लड़ते हैं लोकल पीजेंट्स को अपने साथ जोड़ के। लड़ाई लड़ने के बाद में जो यहाँ के बर्बन रूलर्स रहते हैं, ठीक है, तो इन लोगों को क्या करते हैं, वो हरा देते हैं। और इन लोगों को हराने के बाद में उन्होंने साउथ का पार्ट भी जीत लिया। तो इनका कंट्रीब्यूशन यही था गुजिपी गैरिबाल्डी का, विद द सपोर्ट ऑफ लोकल पीजेंट्स ही वॉज सक्सेसफुल टू ड्राइव आउट स्पेनिश रूलर्स फ्रॉम सदर्न पार्ट ऑफ इटली। अब इसी के साथ में क्या है, ये इसी के साथ में आपको ये ध्यान रखना है कि ये वाला साउथ भी यूनिफाई हो गया है, नॉर्थ भी यूनिफाई हो गया है, और सार्दिनिया पीडिमोंट वाला रीजन तो था ही पहले से उनके पास में। अब आप सोच रहे होंगे सेंट्रल का क्या हुआ सर, सेंट्रल तो बुक में भी कुछ नहीं दिया सेंट्रल के बारे में, तो बता देता हूँ मैं आपको, आप क्योंकि क्यूरियोसिटी है तो बता देता हूँ सेंट्रल पार्ट का क्या हुआ। जो सेंटर में जो पेपल स्टेट था, या विच वॉज रूल्ड बाय पोप, तो वहाँ पे उन्होंने खुद अपनी पावर डाइल्यूट कर दी थी। उन्होंने सोचा कि आजू बाजू सब तो हार गए, हम लड़के हारेंगे, इससे अच्छा क्या खुद ही टेरिटरी छोड़ दे तो इज्जत तो बची रहेगी। तो उन्होंने सेंट्रल में जो पेपल स्टेट था, उन्होंने खुद अपनी पावर डाइल्यूट कर दी थी, और इसी के चलते क्या है, 1861 आते आते पूरा इटली जो था वो यूनिफाई हो चुका था, पूरा इटालियन यूनिफिकेशन का काम कंप्लीट हो चुका था। 1861 में किंग विक्टर इमैनुअल टू को राजतिलक कर दिया जाता है और उन्हें राजा घोषित करवा दिया जाता है। तो किस किस का इंपॉर्टेंट रोल रहा, गुजिपी मजीनी का, फ्रेंच चीफ मिनिस्टर जो थे कैवियोर इनका, और गुजिपी गैरिबाल्डी का। तो इन लोगों ने इटालियन यूनिफिकेशन में एक बहुत प्रोमिनेंट, बहुत इंपॉर्टेंट रोल
प्ले किया है। यहाँ तक आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर है। अब एक चीज़ और बता दो इंटरेस्टिंग, जो आप बुक में पढ़ते हैं तो आप सोचते होंगे क्या है कि जो इलिटरेसी थी वहाँ के लोगों में, मतलब इटली को आपने यूनिफाई कर लिया लेकिन वहाँ के लोगों के अंदर जो समझ थी वो बहुत कम थी। इलिटरेसी वॉज वेरी हाई, बहुत कम इलिटरेसी होने के कारण क्या होता था, देवर अनअवेयर ऑफ लिबरल नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी। तो इस तरह से जो लिबरल नेशनलिस्ट आइडियोलॉजीज चल रही थी कि नहीं सारी चीज़ें क्या होना चाहिए, नेशन स्टेट होना चाहिए, मॉडर्न प्रिंसिपल्स अडॉप्ट किए जाना चाहिए, देश यूनिफाइड होना चाहिए, तो इस तरह की जो लिबरल नेशनलिस्ट आइडियोलॉजीज थी वो उन आइडियोलॉजीज से, उन आइडियाज से अनअवेयर थे। कौन? वहाँ के लोकल पीजेंट्स जो थे, लोकल फार्मर्स जो थे। तो उसका एक केस दिखाया गया है कि जब गुजीपी गैरिबाल्डी क्या कर रहे थे, लोकल पीजेंट्स को अपने साथ जोड़ के क्या करने की कोशिश कर रहे थे, रिवॉल्ट करने की कोशिश कर रहे थे, लड़ाई लड़ने की कोशिश कर रहे थे, किसके अगेंस्ट? स्पेनिश रूलर्स के। तो उस समय पे क्या होता है, उस समय पे एक जैसे इटालिया और ला तालिया एक शब्द होता है इटालियन लैंग्वेज में, जिसका मतलब होता है इटली, ठीक है, मतलब देश। जैसे बोलते हैं ना हम भारतीय हैं तो भारत माता की जय, इस तरह से हम एक क्या करने की कोशिश करते हैं, मोटिवेशन बूस्ट करने की कोशिश करते हैं इंडियन आर्मी की। तो उस तरीके से क्या हो रहा था, यहाँ पे जब ला तालिया इस तरह से नारे लगाए जाते थे या फिर ये टर्म यूज़ किया जाता था, तो वहाँ के जो पीजेंट्स थे वो क्या समझते थे कि जो राजा है विक्टर इमैनुअल की वाइफ वगैरह कोई होगी जिसको शायद कब्जा करके रखा है स्पेनिश रूलर ने, तो इसके लिए उन्हें छुड़ाने के लिए नारे वगैरह लगाए जा रहे हैं। तो मतलब इतना सेंस ऑफ अवेयरनेस नहीं था लोगों के अंदर कि उन्हें पता भी नहीं था कि इटली क्या है, इटली को क्यों यूनिफाई किया जा रहा है। वो बस क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट अच्छा था साउथ में गुजीपी गैरिबाल्डी का, तो उन्होंने लोगों को अपने साथ जोड़ लिया, लेकिन लोगों के बीच में जो अवेयरनेस थी तो वो बहुत कम थी। लोग इसलिए लड़ रहे थे, उन्हें ऐसा लग रहा था कहीं वाइफ को अरेस्ट करके रखा होगा राजा की, इसके लिए हम छुड़वाने के लिए लड़ रहे हैं। तो इस तरह की एक बोल सकते हैं कि थोड़ा किडिश लग रहा है, लेकिन सेंस ऑफ अवेयरनेस बहुत कम थी लोगों के बीच में वहाँ पर। इटालियन यूनिफिकेशन हम पढ़ चुके हैं, किस तरह से इटली यूनिफाई हुआ है वो मैंने आपको पूरा समझा चुका हूँ। जर्मनी का यूनिफिकेशन देख लिया आपने, इटली का यूनिफिकेशन देख लिया, अब एक ब्रिटेन का केस बचा है। तो हेडिंग आपको क्या दी गई है बुक में, स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन। स्ट्रेंज केस क्यों दिया है वो आपको मैं समझाऊंगा, डॉक्टर स्ट्रेंज की तरह नहीं है वो, थोड़ा कुछ और स्ट्रेंज है उसमें। तो जैसे हिंट देते जाता हूँ मैं आपको इसी वीडियो में कि यहाँ पे हमने देखा लड़ भिड़ के यूनिफाई किया गया, वहाँ पे लड़ाई की ज़रूरत नहीं हुई, वहाँ पे सारी चीज़ें क्या हो गई थी, ग्रेजुअली हो गई थी, अपने आप हो गई थी। वो कैसे हुई थी वो सारा सब कुछ हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इस चैप्टर के नोट्स आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट magnetbrains.com पर बहुत आसानी से पा सकते हैं। magnetbrains.com पर आपको क्लास 4th से क्लास 12th तक सभी सब्जेक्ट्स, सभी चैप्टर्स और सभी चैप्टर्स के सब टॉपिक्स बिल्कुल इसी तरह एक अरेंज फॉर्मेट में अवेलेबल होंगे, जिन्हें आप बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं। फील फ्री टू विजिट आर ऑफिशियल वेबसाइट magnetbrains.com। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ब्रिटेन के यूनिफिकेशन के साथ। थैंक यू वेरी मच।